जीएसएस पार्क। आज हम बात करने वाले हैं अव्यय के बारे में। ये हमारी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान समझिएगा। ये समझने वाली टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए और हम समझाने चल रहे हैं। तीन फैक्टर होते हैं, लिंग, वचन और कारक, जो किसी शब्द को या तो विकार उत्पन्न करते हैं या तो विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। आपको हम बताए थे कि विकार के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले अगर बात करें तो होता है साविकारी शब्द। साविकारी शब्द, इसका नाम साविकारी क्यों पड़ा, ये बात आपको हम बताने वाले हैं। साविकारी शब्द जिसके अंतर्गत चार चीजें आती थी, पहली क्या थी? संज्ञा था। दूसरा क्या था? सर्वनाम। तीसरा क्या था? क्रिया। और चौथा क्या था? विशेषण। ये चार चीजें हैं जिन्हें हम लोग साविकारी कहा जाता है। साविकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न होता है इनके प्रयोग से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साविकारी। क्यों कहा जाता है, हम देखते हैं इस वाक्य में। जैसे अगर हम बात किए, वह जा रही है, वह जा रही है, यहां पर वह क्या है? एक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखते हैं, राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर बात की जा रही है राम अच्छा लड़का है। यहां पर राम क्या है? राम पुल्लिंग है, मतलब किसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम लोग वाक्य को बदलें, जैसे अगर राम की जगह कर दे स्त्रीलिंग, सीता अच्छा लड़की है, क्या ये वाक्य सही है? सीता अच्छा लड़की है, सही है? नहीं सही है। क्यों? हमने लिंग में परिवर्तन किया तो परिवर्तन किसमें होने लगा? विशेषण में। अच्छा की जगह क्या होगा? अच्छी होगा। तो लिंग परिवर्तन, लिंग के प्रभाव से विशेषण में परिवर्तन हुआ, विशेषण में विकार उत्पन्न हुआ, इसलिए विशेषण को क्या कहा जाता है? साविकारी। इसी तरीके से जैसे बात करें, राम जा रहा है, जा रहा है, तुम सब जा रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं सही है। क्यों? यहां पर एक वचन था, यहां वचन की बात हो रही है। एक वचन के साथ क्रिया क्या प्रयोग हुई? जा रहा है। और बहुवचन के साथ जा रहा है नहीं, क्या होगी? जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वचन जैसे ही परिवर्तित कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है? क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्रिया भी किस में रखी गई है? आपकी साविकारी में रखी गई है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लिंग, वचन और कारक जहां भी प्रयोग होंगे और अगर इनमें कोई परिवर्तन होगा तो ये क्या कहलाएंगे? आपके साविकारी। यही अगर हम लोग बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा है दूसरा क्या है? अव्यय, जिसे हम लोग आविकारी भी कहते हैं। आविकारी, इसके अंतर्गत चार चीजें आती थी। क्या क्या चीज था वो? पहला था क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा था आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। तीसरा था संबंध बोधक, संबंध बोधक। और चौथा आपका था क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। और चौथा था विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये चारों चीज अव्यय थी। इनको अव्यय या आविकारी क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग यहां देखते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, अगर लिखे सीता तेज दौड़ती है, कि यह वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध है। आप यहां देख रहे होंगे, यहां हमने लिंग परिवर्तित किया, राम तेज दौड़ता है तो यहां पे तेज आया, यहां हमने क्या किया? सीता तेज दौड़ती है। आप कितने भी लिंग परिवर्तित कीजिए, तेज शब्द जो कि एक क्रिया विशेषण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द रूप जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके आविकारी या अव्यय कहलाते हैं। यहां पर देखिए, तेज एक क्रिया विशेषण है, अगर हम लोग यहां लिख दें तुम सब, तब भी हम लोग क्या लिखेंगे? तेज ही लिखेंगे, तेज दौड़ते हो। तो कहने का ये मतलब है, ना इस पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का प्रभाव पड़ेगा, ना ही कारक का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम लोग अव्यय या आविकारी शब्द कहते हैं।
तो दोस्तों एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके की, कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा शुद्ध नहीं है। तो ये आपको अव्यय था जिसके बारे में हम आपको पूरी चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा आपका कनेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, और मुझे खुशी है कि आप लोग कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।